नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, क्या कपड़े पहने थे, शायद आपको नहीं याद होगा। इसी प्रकार पिछले जन्म में आप क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सवालों का जवाब देना बिल्कुल असंभव सा लगता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। वैज्ञानिक कारण, पिछले जन्म की बातों को याद रखना नामुमकिन है, जिसकी वजह है माँ के गर्भ में मौजूद आसिटासिन नामक तत्व। बच्चे के पैदा होते ही आसिटासिन गर्भ से निकल जाता है। यदि वो तत्व बच्चे के साथ ही बाहर आ जाए तो पूर्व जन्म की बातों को ठीक तरह से याद रखा जा सकता है। प्राकृतिक कारण, प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ साथ बीती बीती बातों को भी भूल जाते हैं, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटना हो जाती है, जिन्हें वह भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसलिए पूर्व जन्म की बातें उसे याद रखना भी असंभव होता है। किसी विशेष शक्ति के कारण कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था, कौन थे माता पिता आदि। ऐसा कई बार हुआ लेकिन बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन इसमें कितनी भी सच्चाई कहा नहीं जा सकता। मृत्यु के कारण का भय, अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने कर्मियों से दुख घूमता रहेगा। कर्म और आत्मा, हमारे शास्त्रों में भी साफ कहा गया कि कर्मों से ही उसका अगला जन्म होता है, अर्थात आत्मा के कर्म इंसान को उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा यही बात कही जाती है कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे।